रीवा में जन सामान्य को नेचुरल गैस के उपयोग के लिए समझाइश देने के साथ ही इसके लाभ एवं उपयोग से होने वाली आर्थिक बचत के बारे में जागरूकता अभियान संचालित किए जाएं। जिले के ट्रांसपोर्ट्स एवं उद्यमियों की वर्कशॉप आयोजित कर नेचुरल गैस के उपयोग के महत्व को बताएं ताकि इसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके। उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर मनोज पुष्प ने नेचुरल गैस के जिले में उपयोगिता के संबंध में आयोजित बैठक में दिए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने इंडियन ऑयल के अधिकारी को निर्देशित किया कि औद्योगिक क्षेत्र में नेचुरल गैस के उपयोग एवं जेल पीटीएस एवं अस्पताल में इसके उपयोग के लिए सप्लाई की व्यवस्था कराएं। उन्होंने आरटीओ व महाप्रबंधक उद्योग के समन्वय से जिले में बृहद वर्कशॉप के आयोजन के निर्देश दिए हैं, जिसमें नेचुरल गैस के उपयोग की महत्ता बताई जाए तथा अन्य अधिक से अधिक लोगों को इसके उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि इसके उपयोग से जहां एक ओर प्रदूषण नहीं होता, वहीं दूसरी ओर आर्थिक बचत भी होती है। बैठक में रीवा शहर के मोहल्लों के घरों में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने इंडियन ऑयल के मैनेजर को निर्देश दिए कि शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में सप्लाई के लिए केंद्र स्थापित करने हेतु भूमि का चयन कर ले, तदुपरांत वह भूमि आरक्षित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप घरों में गैस सप्लाई के कार्य कराएं। इस अवसर पर इंडियन ऑयल के मैनेजर हरिराम मिश्रा ने शहर में अब तक गैस सप्लाई के लिए किए गए कार्यों की अद्यतन जानकारी दी है। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, महाप्रबंधक उद्योग यूबी तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।